Hello dear student, I am teacher of class nursery. Today I am going to teach you English part 33 capital letters. ये तो E और F तो मैं आपको already बनवा चुकी हूँ, है ना, कंप्लीट करा चुकी हूँ with इस लाइनों के थ्रू. एक बार फिर से हम जो लाइन से चल रहे हैं, पैटर्न से चल रहे हैं, ए बी सी, अब कोई भी अल्फ़ाबेट छोड़कर नहीं चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फिर से आता है E और F. किस तरीके से बनाना है, इस बार हम प्रॉपर डॉट्स नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके बच्चे बनाना, हमारे बच्चे क्या है, स्टूडेंट सीख चुके हैं इसको बनाना. तो हम कैसे करेंगे, टू डॉट्स में उसको वन स्टैंडिंग लाइन, फिर देन वन स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्लीपिंग लाइन, थर्ड स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से कंप्लीट कराएंगे. और कैसे, एक बार फिर से बताती हूँ, वन स्टैंडिंग लाइन और थ्री स्लीपिंग लाइन, वन टू थ्री लाइनों पे ही बनवाना है ना. फिर सेकंड से अगर एफ बनाना है तो एफ के लिए, एफ और फिश, फिश के लिए क्या करेंगे, वन स्टैंडिंग लाइन और टू स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन और टू स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से कंप्लीट कराएंगे. रिपीट वीडियो एक तरीके से है ना, आते ही हमारे बच्चों को बनाना, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करवाएं, कंप्लीट कराएं, रिविजन कराते रहें. ओके, थैंक यू.